हेलो दोस्तों, पैक्स के इस भाग में आइए। आज हम लोग दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं, F-35 लाइटिंग 2 दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू बॉम्बर विमान है। F-35 लाइटिंग 2 लड़ाकू विमान का निर्माण अमेरिकी विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा 2006 में किया गया था। यह विमान पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस विमान का उपयोग विशेष तौर पर टोह लेने, जमीन व हवा में मार करने तथा राडार में ना दिखे हुए दुश्मन के क्षेत्र में घूम आने में सक्षम है। इसे तीन रूपों में विकसित किया गया है, F-35A, F-35B, F-35C। अब इस श्रेणी में दूसरा विमान अमेरिका का ही F-22 राप्टर है। F-22 राप्टर लड़ाकू विमान का निर्माण अमेरिकी विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा 1997 में किया गया था। यह विमान एक सीट और दो इंजन वाला पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 2005 में यह लड़ाकू विमान अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ। इस विमान में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस विमान में कई प्रकार के खतरनाक मिसाइलों जैसे AIM-120C, AIM-120D, AIM-9X इत्यादि मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। इस विमान की अधिकतम रफ्तार 2410 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई SU-57 को माना जाता है। रूस के विमान कंपनी PAKFA के द्वारा विकसित किया गया यह विमान पांचवी पीढ़ी का विमान है। इस विमान का प्रथम उड़ान 29 जनवरी 2010 को संपन्न हुआ था। इसकी लंबाई 19.8 मीटर, ऊंचाई 4.74 मीटर, खाली वजन 18,000 किलोग्राम है। गति सीमा 2 मैक यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इस श्रेणी का चौथा विमान जो है चीन के द्वारा विकसित J-20 चेंगदू को माना जाता है। J-20 चेंगदू को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन के चेंगदू एयरो स्पेस कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित पांचवी पीढ़ी का खतरनाक लड़ाकू विमान है। इस विमान ने 11 जनवरी 2011 को प्रथम उड़ान भरा था। सितंबर 2017 में इस विमान को चीनी वायुसेना में शामिल किया गया। इस श्रेणी का पांचवा विमान यूरो फाइटर टाइफून है। यूरो फाइटर टाइफून एक मल्टी रोल फाइटर एयर सुपीरियरिटी फाइटर विमान है। यह लड़ाकू विमान बहुराष्ट्रीय विमान है। इसका उत्पादन फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन और के द्वारा मिलकर किया गया है। इसका उत्पादन यूरो फाइटर जगत फ्लग जेग GmbH के द्वारा किया जा रहा है। इस लड़ाकू विमान ने 27 मार्च 1994 को पहली उड़ान भरी थी। इस विमान का उपयोग यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, कुवैत, ओमान जैसे देशों के द्वारा किया जा रहा है। इस श्रेणी का छठा विमान जो है वह स्वीडन के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम है JAS-39 ग्रिपेन। ये साप SAABAB के द्वारा उत्पादित एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ग्रिपेन लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान 9 दिसंबर 1988 को भरी थी। इस विमान का उपयोग स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं चेक वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। यह विमान एकल सीट एवं एकल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। श्रेणी का सातवां खतरनाक विमान द डेसॉल्ट राफेल दो इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। यह विमान फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के द्वारा 1986 को बनाया गया। राफेल एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है हवा का झोंका यानी गस्ट ऑफ वाइंड, आग का विस्फोट यानी ब्रस्ट ऑफ फायर। इस विमान में चार प्रकार के मिसाइलें हैमर, माइका, मेटर और स्कॉल्प लगाया गया है। यह 4.5
पीढ़ी का विमान है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे। F-16 फाइटिंग फाल्कन ये 8वें स्थान का विमान है। अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक्स और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा 1973 में विकसित F-16 एक लड़ाकू विमान है। इस कंपनी के द्वारा अब तक 4500 से अधिक विमानों का उत्पादन करके विभिन्न देशों को सप्लाई किए गए हैं। F-16 फाइटिंग फाल्कन की रफ्तार 1470 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी मारक क्षमता 4220 किलोमीटर है। F-16 3.5 जेनरेशन का विमान है। धन्यवाद।